I miss it a lot, sir. Let's go. I miss it a lot. But see, today I'm not a professional photographer. I am a hobby photographer, but a hobbyist. But I can do photography on Instagram or on Facebook. Itna to mauka hai. Pehle hum log album mein rakhte the aur dikhate the. Dekho na mere photo ke. Haan, achhe achhe. When you started, you know. But today I can't. Itna to mauka hai. I'm like a little kid enjoying ki dunya dekhti aur usko like karte hain ya na pass karte. At least we have that opportunity. And it doesn't matter what format you shoot on. It's a frame. You fill in the frame with the best your eyes can pull out. So I do photography, but I do it as a hobbyist. Okay, so जैसे कि आपने बोला कि कैरेक्टर को तैयार करना जिसके लिए तैयारी करते हैं वो ज़्यादा टफ होता है। तो इसके लिए आपने कितनी तैयारी करी? सर, इसमें क्या है? मैं 14 साल से 13-14 साल से तैयारी कर रहा हूँ ये रोल के लिए, क्योंकि सबास और विराफ और आंद्रे, मैं हमेशा उनको ऑब्जर्व करते रहता हूँ एज अ फन, बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स. और उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ हमेशा. मैं जाके उनको बोलता भी हूँ कि अपनी तबीयत संभालो भाई, तुम लोग बहुत है, यू नो. देखिए, इट्स सो मच टेंशन. देर इज सो मच टेंशन वाइल ऑर्गेनाइजिंग एन आईफा इवेंट दैट दीज थ्री पीपल आर मेड ऑफ स्टील एक्चुअली, देखा जाए तो. एंड आई एम सीइंग देम एंड समटाइम मैं जाके बोलता हूँ, सबास बैठ जा या विराफ काम डाउन. It is very, so I've been observing them for 12, 13 years. So, doing that character of three rolled into one, tino ko ek glass mein dal ke pi gaya hu, is actually was preparation enough. Okay, iske andar ek aapne gana bhi gaya hai, smiling, uske bare mein kuch bataiye, kaise experience hua uska? Main New York mein, log aaye the mere room mein, aur main bola ruko, main zara bathroom mein gaya tha, na kya tha. नाते नाते मैं गाना गा रहा था तो उन लोगों ने पीछे से रिकॉर्डिंग कर ली. और आई एम जोकिंग. दे वांटेड अ स्माइली सॉन्ग, समथिंग दैट मेक्स पीपल हैप्पी एंड स्माइल. एंड वासु जी एंड अपने समीर टंडन ने वासु जी को कहा कि लेट्स आस्क बमन, विल ही डू द सॉन्ग. मुझे फ़ोन किया, मैं बोला आ जाए, सुनते तो क्या आपके, बिकॉज पहली बार सुना एक स्माइल एंथम, लाफ्टर एंथम. तो आके गिटारिस्ट आए, सुना, मतलब ओके, वेंट टू द स्टूडियो, रिकॉर्डेड इट, दैट्स इट. आई थिंक यू डोंट हैव टू सिंग द सॉन्ग एज अ सिंगर एज मच एज यू हैव टू सिंग द सॉन्ग एज अ हैप्पी पर्सन. आई लाइक टू बी हैप्पी, आई लाइक अ गुड एनर्जी. मैं अभी बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मैं एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ. आई लाइक टू कीप इट लाइट. तो ये सॉन्ग लाइट हार्टेड है, बहुत सारे स्टार्स आए हैं इस गाने में, अपने लाफ्टर दिखा के गए. सो दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड टू डू द सॉन्ग. इट वाज सो मच फन टू डू इट. ओके, लास्ट सर, लास्ट एक ही क्वेश्चन. या यू टू आस्क अ क्वेश्चन, राइट? लास्ट उसने होली आ रही है, सो फैंस, हां, वो करेंगे, वो लास्ट में करेंगे. वी विल डू दैट, डोंट वरी. यस सर, बहुत लेट आपने मतलब बॉलीवुड में ये किया था, तो क्या बोले, बहुत लेट. कैसे लेट मतलब क्या? बूढ़े होके? नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपका सवाल, समझ गया मैं. सॉरी सॉरी, जहाँ देखो, थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल बनता हूँ आपके लिए. लाइफ में, बचपन में हर एक इंसान की का कोई ना कोई अरमान होता है, और अरमान होनी चाहिए. अगर आपके पास अरमान नहीं है तो वो ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है. लेकिन जितना बड़ा आपका अरमान, उतनी बड़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जब ऑब्स्टिकल आते हैं उसे स्ट्रगल कहते हैं. अगर आपके अरमान पूरी हो जाए विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, तो वो अरमान कमाल की अरमान नहीं थी, मज़ा नहीं उसमें. कमाल की अरमान नहीं थी, आप बड़े नहीं सोच. मैं तो मैंने सोचा एक दिन मैं एक्टिंग करूंगा ज़रूर, लेकिन वो जर्नी होनी चाहिए. मतलब मैंने शादी बहुत कम उम्र में की, डैडी बहुत कम उम्र में हो गया था, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. अभी मैं अरमान के पीछे भाग जाऊं और फैमिली को निगलेक्ट करूं, वो भी गलत है. तो मैंने सोचा टेक योर टाइम, पिक अप फोटोग्राफी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एज एन एक्टर, एज अ पर्सन फिल्म. आई वॉन्ट टू बी अ फिल्म मेकर ऑल्सो, राइट?
So you have to fulfill certain duties.